जी अपना नाम, पेशा और मुख्तसर क्वेश्चन पेश करें। जी मेरा नाम वाजिद एहसास है और मैं एक तालिब इल्म हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं, यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ, दोस्तों के में जो मेरा एक माशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है, और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूं तो वक्त पर वापस करता हूं। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये, और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फ़ायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूँगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? वाजिद एहसास। वाजिद एहसास, आप मुसलमान हैं? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। हाँ, आप मुसलमान खानदान में पैदा हुए लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, बराबर? यस सर, यस। अपने भाई साहब वाजिद मुसलमान खानदान में पैदा हुए, 4 साल से दीन पे अमल नहीं करते, कहते हूँ कि मैं तालिब इल्म हूँ और मेरे मामलात बहुत अच्छे, मैं अच्छे काम करता हूँ, कुछ लेता हूँ तो टाइम पे वापस दे देता हूँ और बहुत खुश है, तो क्यों उसे दीन पे अमल करना चाहिए? अच्छा सवाल है भाई साहब। ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं, कई शख्स है। अच्छा होना किसके मैयार से? आपके मैयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मैयार से। खालिक का मैयार क्या है? अच्छा होना वो जो ईमान रखता है, अमल सौले हाथ करता है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। भाई साहब का सवाल है, लॉजिकल जवाब दो, लॉजिकल जवाब दो कि मैं 4 साल से दीन पे अमल नहीं कर रहा हूं, बहुत खुश हूं, जो चीज लेता हूं टाइम पे वापस करता हूं, तो आप साबित करो कि क्यों मुझे दीन पे अमल करना चाहिए। जो आप बोल रहे आप बहुत खुश है, वो मेरी खुशी के लिए काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में? कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे। वाजिद भाई किधर है? वाजिद भाई जी जी सर। हाँ, कितने लोग आपको मानते 4 साल में? 5,000, 10,000, कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जो है एक इज्तमाई जो मेरी ज़िंदगी है माशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से, और एक अकल के जो तकाज़े हैं, यानी एक अकलियत का तकाज़ा है कि मेरा माशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है, और या मेरा इंडिविजुअल का एक माशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है पहले दुनिया लोग समझते चपटी है, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। जी सर बिल्कुल ये है कि एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? यही रैशनल आप समझते हैं, जब सिंपल समझ नहीं सकते आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है, आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है। आप, आपको सवाल देने का मौका दिया गया है, अभी मेरा जवाब सुनिए। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है, वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ, एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपये लोग की चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक, चलो भाई साहब वाजिद भाई जवाब दो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों रुपये चोरी करता हूं। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह यह है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मनफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं, मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रोज खरीदता हूं, मुझे क्या। आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे मत, मैं खुश हूं। उसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूं आप मुझे मंतिक से लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। ये मत बताओ लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा है ना, मैं चोरी खरीदता हूं, रोज रोज खरीदता हूं, बंगला खरीदता हूं, क्या गलत है। लोग को तकलीफ होती, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान उससे, आपको नुकसान है। आप ये बताओ मेरा नुकसान क्या है, एक दो नहीं। सर, आप ये मुझसे मेरे ख्याल में पूछ रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन मैं ये, अच्छा मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे रिलीजन को, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा सर यही सवाल है, एक लॉजिकल पॉइंट बोलो साबित करने के लिए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूं, मैं बहुत खुश हूं। लोग को तकलीफ होती गई बाढ़ में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं। उसी तरीके से मैं खुश हूं तो आप क्या बोलेंगे, मैं अच्छा इंसान हूं। आपकी लॉजिक किधर गई, एक चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से, आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो बोलो मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आप मुझे एक चीज लॉजिकल बताओ जो मेरे लिए नुकसानदार है। अच्छी बात है मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे मेरी अपनी फिक्र है। एक लॉजिकल बताओ, आप 4 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल से कर रहा हूं। आप तो, आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई, मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है, मेरे पास नौकर चाकर है। आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है भाई, कौन अच्छा आप या मैं। इसीलिए लॉजिक, आप ऐसा बोले क्या मुझे दुनिया की फिक्र नहीं तो मैं आपसे अच्छा ना। अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी बोलेगा मैं खुश हूं, आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा। जैसे आप बोल रहे मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है। मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है, लोग को अभी आपके जवाब पे आता हूं मैं। आपने जो डायलॉग मारे ना, मुझे लोग की फिक्र ने, उसमें तो फंस गया। एक बता नहीं सके मुझे, एक और बताएंगे भी तो उसका आप बोलेंगे पुलिस पकड़ेगी, पुलिस मेरे खिसे में, मैं सबसे बड़ा माफिया है, पुनः अटैक करेगा, मेरे पास पीछे पे बॉडीगार्ड है। मेरी पूरी तकरीर है इसके ऊपर। अभी मैं आता आपके सवाल पे। लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता है। आपको पता है कि जितने दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट मैन हैं, 10 में से 8 का तलाक हो चुका है, टॉप 5 में सबका तलाक। कई रिच मैन के बच्चे लोग ने कंप्लेंट किया अपने वालिद के बारे में। क्या हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस। इलॉन मस्क नंबर 1, उसका तलाक। जेफ बेजोस, उसका तलाक। बिल गेट्स, उसका तलाक। रिचेस्ट मैन, $100 बिलियन, $150 बिलियन, $200 बिलियन। क्या फायदा। आपको लगता है हमारे दिमाग में गलतफहमी, खुश है, इन लोग बिल्कुल खुश नहीं है। वो जो इंसान गांव के अंदर सुकून की नींद सोता है वो उनसे ज्यादा खुश है। और ये दुनिया, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं, अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप। मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है आखिरत के लिए। आप जब आखिरत में मानते ही नहीं तो आपको क्या पता। अगर मंतिक से सोचेंगे, लॉजिक से सोचेंगे तो आपको पता होगा कि इस दुनिया का खालिक एक है। आप मेरी वीडियो कैसेट सुनिए, Does God exist? वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? आपका नाम क्यों नहीं बदलते आप? वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर। क्या? पाने वाला। पाने वाला। क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासिबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। एटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं ना, मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो। डज गॉड एग्जिस्ट? सर वो एक और सुनिए 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 जा रहा, ये बहस नहीं हो रही है। आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूँ मैं। आप ये मानने के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। अभी मैं आपको साबित करता हूं। जो लोग, आप कुछ भी बोलो, आप बड़े चोर है, आपको पुलिस पकड़ेंगे, पुलिस मेरे खीसे में, आपकी कोई दूसरी चोरी करेंगे, आपका चोरी कोई कर नहीं सकता, मेरे पास बहुत बॉडीगार्ड है। सिर्फ एक ही लॉजिक से आप उस चोर को गलत साबित कर सकते हैं। अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई चोर कहता है कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं खुश हूं, मुझे एक लॉजिक बताओ कि गलत है और मैं छोड़ दूंगा। मैं उससे पूछूंगा अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी तो आप चाहेंगे कि इंसाफ हो? भले आपके साथ कोई चोरी नहीं कर सकता है, मान लो, लेकिन आपके मां के साथ किसने गलत हरकत की है, आप नहीं चाहेंगे कि उसको सजा मिले? आपके बहन के साथ कोई गलत हरकत करता है, आप नहीं चाहेंगे उसके साथ सजा हो? ये दुनिया में आप मिसाल लो हिटलर की। हिटलर ने 6,60,00,000 लोगों का कत्ल किया। आपकी पुलिस अगर हिटलर को पकड़ेंगी क्या सजा दे सकती है? मैक्सिमम उसको जला सकती है, एक के बदले 50। 59 लाख 5,999,000 अब भी उस पर अदल्य होता है। आप अगर हिसाब किताब करेंगे तो इनजस्टिस है। आप हिटलर को पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या क्या सजा दे सकती है उसको? बोलो क्या सजा दे सकती है? मान लो हिटलर को आपने पकड़ा, उसने 60 लाख लोग को जिंदा जलाया, आपकी लॉजिक क्या कहती है, क्या सजा मिल सकती है उसको? बोलो बोलो वाजिद भाई। सर आप मेरा सवाल का दो, हिटलर को आज पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? सर जो भी कानून के दायरे में उसे सजा दी जाएगी। हिटलर का अमल और है, मेरे सवाल का उससे ताल्लुक नहीं है। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा सवाल यह है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर हिटलर को पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना चाहिए ना दुनिया में? जी, जो एक स्टेट ने तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक कत्ल के मतलब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब? अन्य जस्टिस नहीं है, बराबर? आपको मानना पड़ेगा अगर पुलिस हिटलर को पकड़ती थी, उसको मौत देती थी, ये जस्टिस है क्या? नहीं जस्टिस है, नहीं जस्टिस है। आपके हिसाब से 1 = 6 मिलियन, आपका मैथ्स बहुत वीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में आयत नंबर 53 कि अगर जो लोग अल्लाह के आयतों में नहीं मानते और आखिरत में, अल्लाह ताला उनको जहन्नम की आग में डालेगा। और जितने बार सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 53 ने 56 जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार उनको नई चमड़ी दी जाएंगी। आज साइंस कहती है कि दर्द होने के लिए चमड़ी के अंदर पेन रिसेप्टर है, पहले नहीं पता था। अगर आपको सीवियर बर्न इंजरी होती है तो डॉक्टर लेता है सुई और टोचता है। अगर आपको दर्द होता है तो डॉक्टर खुश है, यानी डीप इंजरी नहीं है। अगर आपको दर्द नहीं होता है, डॉक्टर को अफसोस होता है, डीप बर्न इंजरी, आपकी एहसास के पेन रिसेप्टर्स मर गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ है और अल्लाह का कहना नहीं मानते, अल्लाह ताला उनको दोजख की आंख में डालेंगे और जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। तो अल्लाह ताला आखिरत में हिटलर को 6 मिलियन टाइम 12 मिलियन टाइम भी जला सकता है। ये अदल हुआ कि नहीं? हां कि नहीं? हमारे दुनिया में अदल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए चोरी खराब है तब मानेगा जब उसको मालूम पड़ेगा आखिरत है, हमारा खालिक है। विदाउट आखिरत आप साबित ही नहीं कर सके चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है, आप साबित ही नहीं कर सकते। सिर्फ उस वक्त साबित कर सकते जब आपको पता लगेगा कि आखिरत है, हमारी इस जिंदगी के अलावा और एक जिंदगी है। और ये अदल सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। और सिर्फ खालिक होना काफी नहीं है, खालिक के साथ आखिरत होना जरूरी है। अगर आखिरत नहीं है तो आप साबित ही नहीं कर सकेंगे कि चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है, किसी का कत्ल करना हराम है, साबित ही नहीं कर सकते। आपके पास लॉजिक ही नहीं है। तो आप जो बात कर रहे 4 साल से आप खुश है, आपकी खुशी टेम्परेरी है, मेन खुशी तो है आखिरत। जैसा बोलते हैं ना, आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिद ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया, मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर की नहीं? और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। एक तो गलती करता है, डंके की चोट पे ऐलान करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में दोजख में जब जाएगा, अंगार लगेंगी पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। ये हदीस बिल्कुल, वाजिद भाई मेरी दरखास्त है, आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए और उसके ऊपर तदब्बुर करो। अब भी मौका है, अब भी मौका है समझ जाने का। डंके की चोट पे कहते हैं कि 4 साल से मैं खुश हूं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते, ये हदीस तुम पे हूबहू फिट होती है। मेरी दरखास्त है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ो और हर आयत को समझ के पढ़ो, वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। अगर आप माफी मांगे और सही रास्ते पे आ गए, फिर से मानने लगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंशाअल्लाह आपको आखिरत में निजात मिलेंगी। वरना आप खसारे में रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको हिदायत मिले और अल्लाह आपको हिदायत दे और आप सही रास्ते पे आ जाए फिर से। अब इख्तिताम पे किसी भी कराची में माशाअल्लाह 2:45 तक चली, ये लाहौर है ना, मैं समझा लाहौर में फजर तक चलेंगी तो और एक राउंड ले सकते। देखो लोग जोश में, आप अगर थक गए, आप थक गए तो ये आएंगे माइक्रोफोन, आप थक गए तो ये माइक्रोफोन पे आएंगे। ये मेरी और एक राउंड लेफ्ट साइड पे सारे हजरात तशरीफ रखें। अभी इंशाल्लाह सवाल जवाब की नशिश जारी है।